बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि उसमें है ना पावर इंक्रीज होगी, बट ऐसा नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको R15 V3 लेनी चाहिए या फिर R15 V4 के लिए वेट करना चाहिए या फिर R2 के लिए। तो भाई मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि यामाहा कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि R15 V4, मतलब उन्होंने बस ये बोला है R15 और R15 M आएंगी, R2 नहीं आ रही। ये बीच में कुछ ऐसे रूमर्स निकले थे कि R2 लॉन्च होगी, पर ऐसा नहीं है। R15 और R15 M, जैसे R1 का M वर्जन आता है ऐसे ही R15 में भी M वर्जन लॉन्च किया जाएगा। तो भाई मैं अगर सबसे पहले उनकी चेंजेस की बात करूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि उसमें है ना पावर इंक्रीज होगी R15 के नेक्स्ट वर्जन में, बट ऐसा नहीं है। जो उसमें जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ उसमें इस पर पावर लिखी हुई है 13.5 किलोवाट, जो कि अराउंड अगर अपन BHP में कन्वर्ट करें तो 18.6 BHP के आसपास ही आती है, जो कि R15 V3 BS6 के बराबर ही है। तो पावर में कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं अगर चेंजेस की बात करूँ तो जो फोटोज़ आई थी जब उसकी टेस्टिंग हो रही थी, तो उसमें सबसे पहले आपको फ्रंट का पूरा डिज़ाइन चेंज मिलेगा। ये R15 V3 का डिज़ाइन देख लो, और जो R15 उसमें मतलब जो ये बीच में आएगा प्रोजेक्टर LED सेटअप और साइड में होंगे दोनों साइड DRLs। तो भाई ये आप मुझे फोटो में भी देख सकते हो, आगे से पूरी चेंज है, पीछे से कोई चेंज नहीं है। पीछे से बिल्कुल R15 V3 जैसी है, थोड़ी साइड में फेयरिंग चेंज होएगी और कलर ऑप्शंस और ये सब तो चेंज होंगे। और भाई एक सबसे बड़ी मतलब जो उनको चेंज कर देनी चाहिए थी पर उन्होंने नहीं करी, वो है ये हेलोजन इंडिकेटर्स। अभी भी हेलोजन ही आएंगे, LED इंडिकेटर्स कंपनी नहीं दे रही। और जो और चेंजेस हैं वो है, जैसे अभी आते थे टेलीस्कोपिक फॉक्स, अब आ जाएंगे USD फॉक्स, जो कि अभी फॉरेन मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, तो वो अब इस बार इंडिया में भी वही लॉन्च किया जाएगा। तो भाई जो अगला चेंज है वो होगा मीटर कंसोल में, मतलब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी जाएगी, जो कि अभी FZX में लॉन्च करी थी वही एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी प्रोवाइड करेंगे। बट इसमें अब की बार डिजिटल, क्योंकि अब उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएगी तो थोड़ा मीटर चेंज हो जाएगा। और अगला जो चेंज है वो है इसके एग्जॉस्ट में। अभी जैसे इधर सिल्वर है पीछे की साइड, अब जो नेक्स्ट वर्जन आएगा उसमें पूरा ब्लैक है, जो आप फोटो में देख सकते हो। ये तो हो गई चेंजेस की बात। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि आपको R15 V3 लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए R15 V4। अगर आपको V4 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो V4 के लिए। अगर जिसको V3 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो V3 अभी जाके ले सकता है, उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर में कोई चेंजेस नहीं है। अब मेन बस डिज़ाइन पे और ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी ऐसा कोई भी खास मेजर चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बट आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो V3 का अभी भी जो ऑनर प्राइस मैंने जब परचेज करी थी तो ये मुझे 1,90,000 की पड़ी थी, पर अगर आप V4 के लिए रुकते हो तो उसकी प्राइस करीब 10-15K और इंक्रीज हो सकती है। आराम मतलब उसमें इतनी चीज़ें लग जाएंगी तो आराम से इंक्रीज हो जाएगी उसकी प्राइस। तो अगर आपका बजट इतना ही है, मतलब 1,90,000-1,95,000, तो आप V3 ले लो, वरना वो तो वो 2,05,000 या 2,10,000 के आसपास ऑन रोड जाएगी, तो आप एक बार वो भी देख लेना। तो भाई मेन जो बात थी वो सब पावर को लेकर की थी, मतलब सबको ये लग रहा था कि उसमें 20 BHP के आसपास पावर आएगी, पर ऐसा नहीं है। तो भाई जिसको V3 लेनी है वो V3 भी ले सकता है, और जिसको उसका V4 का डिज़ाइन पसंद है वो V4 भी ले सकता है। बस एक R15 M और आ रही है, अगर आप उसके लिए वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो। तो ये थी भाई आज की वीडियो। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मैंने जिसका लिंक दे रखा है वहाँ पर आके भी मुझसे बात कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे ये भी बताना कि आपको R15 V3 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है V4 का। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन गुड बाय बाय।